इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। अवाम अब कोरोना से डरने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो पॉजिटिव मरीजों की तादाद आज भी हर रोज 300 से जायद पाई जा रही है, पर अब जो डर खौफ अवाम में पहले देखा जाता था अब नहीं है। पॉजिटिव मरीजों में भारत अगर पहले नंबर की तरफ बढ़ भी रहा है तो डिस्चार्ज होने वाले मरीज भी उससे ज्यादा पाए जा रहे। वैसे तो मास्क रस्मी तौर पर चेहरे पर लगाते दिखाई दे रहे, पुलिस की जानिब से जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वैसे भी तकरीबन जगहों पर अब ट्रैफिक पुलिस ही तैनात नजर आ रहे हैं। हर रोज 1 लाख के करीब पॉजिटिव मरीज आज भी पाए जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी घटता जा रहा है, पर हुकूमत की जानिब से आज भी कुछ अजीब फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन करने के बारे में हुकूमत सोच रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा भी राजस्थान के 11 शहरों में बढ़ते मरीजों के मद्देनजर 146 कलम लगाए गए। पूरा देश लॉकडाउन के चलते मईशत कारोबार खत्म होने की कगार पर है। भुखमरी के मद्देनजर खुदकुशी के वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा अब किसी तरह का लॉकडाउन करना किस कदर नुकसानदेह है इस पर भी मशवरे किए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से अचानक लॉकडाउन का फैसला बेहद खतरनाक रहा है, ऐसा मुखालिफ पार्टियों का कहना है, जिससे मोदी हुकूमत की मकबूलियत को काफी नुकसान पहुंचा है। बेलगाम उद्यम बाग भी लॉकडाउन से काफी मुतासिर हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 30% फैक्ट्रियां बड़ी मुश्किल से चलाई जा रही। अक्सर लोगों की जबान पर यही है कि लॉकडाउन ने तो हमें तबाह कर दिया। कोरोना के मद्देनजर हुकूमत को किसी भी मामले में क्या फैसला लिया जाए समझ में नहीं आ रहा। पहले बस ट्रेन को लेकर फैसला लेने में तश्वीशनाक कैफियत दिखाई दे रही थी और अब स्कूलों को शुरू करने को लेकर भी यही मामला नजर आ रहा है। कभी खुद हुकूमत कोरोना पर काबू पाने की बात करती है तो कभी बढ़ते मरीजों के मद्देनजर फैसले बदलती रहती है। सितंबर महीने में स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया था, फिर 22 सितंबर से शुरू करने की बात कही गई और अब फिर से अपने ही फैसलों को बदलते हुए सितंबर महीनों में किसी तरह के स्कूलों को ना करने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया। रियासत वजीर सेहत का कहना है कि बच्चों की सेहत के मद्देनजर बच्चों को स्कूल में इस महीने न जाने का हुक्म दिया जा रहा है। इससे पहले यह बताया गया था कि बच्चे स्कूलों में जाकर अपने असातिज़ाओं से पढ़ाई के मुतालिक मशवरा ले सकते हैं, पर अब किसी भी बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। स्कूल हो या कॉलेजेस को तलबा या तालिबात न जाए, ऐसा भी सरकारी हिदायत में कहा गया। 9वीं क्लास के तलबाओं और कॉलेजेस के तलबाओं को पहले इजाजत दी गई थी जो बाद में रद्द कर दी गई है। हो सकता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 9वीं से 12वीं के तलबाओं को इजाजत दी जाए। अब देखना यह है कि वाकई क्या स्कूल इस साल शुरू होती है, पूरा साल कोरोना के नजर होती है। तकरीबन 110 करोड़ के नुकसान के बाद फिर से दिगर रियासतों को बसेस के खदमात फिर से शुरू होने जा रहे हैं। कोरोना के दौर में बसेस को बंद रखा गया था, लिहाजा जबरदस्त नुकसान रियासत को भुगतना पड़ा था। अब इसकी भरपाई की कोशिश की जा रही है और खासकर महाराष्ट्र के लिए 22 सितंबर से बसेस की आमद और रसद शुरू की जा रही है। वाज़ह रहे कि बेलगाम गोवा महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है, लिहाजा महाराष्ट्र से आवाम का आना जाना बड़े पैमाने पर होता रहता है। गोवा बेलगाम बसेस तो पहले से ही जारी थी, पर अब महाराष्ट्र के लिए भी बेलगाम से बसें जारी रहेंगी। सिर्फ बेलगाम से महाराष्ट्र के लिए 110 करोड़ का नुकसान हुआ है। दिगर रियासत के इलाकों का अगर नुकसान देखा जाए तो काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। लॉकडाउन के बाद 6 महीनों के बाद महाराष्ट्र के लिए बसेस को जारी किया हुआ है, जिससे बेलगाम और कोल्हापुर के लोगों में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। पतंग उड़ाने को लेकर दो गिरोह आपस में टकराए। कामत गली माली गली के दरमियान पतंग उड़ाने को लेकर तशद्दुद का माहौल देखा गया, जिसमें कुछ अफराद जख्मी भी होने की खबर हासिल है। लिहाजा पुलिस ने आए वक्त पर हालात पर काबू पा लिए। दो गिरोह पतंग उड़ाने को लेकर आपस में टकराए, बहस फिर पथराव का मामला पेश आया। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जख्मियों को अस्पताल भर्ती किया गया। माली गली कामत गली में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बेलगाम कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जिस कदर मोदी हुकूमत 26 बड़ी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इन्हें देश में किसी तरह की तरक्की का इरादा नहीं है, बल्कि अपने अमीर दोस्त अडानी अंबानी की तिजोरियों को भरने का इनका इरादा है, जिसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पसीर हुई, इन्होंने किसी तरह की
फैक्ट्री का या किसी कारोबार का कयाम नहीं किया, बल्कि जो भी पहले कारोबार पहले से थे इन्हें भी बेचने का काम कर रही है। खासकर एलआईसी के बारे में कहेंगे जो 1956 में इसका कयाम अमल में आया और उस वक्त इसका सरमाया सिर्फ 5 करोड़ का था, लिहाजा अब 100 करोड़ से भी ज्यादा है। दुनिया के 100 कंपनियों में एलआईसी का शुमार है, पर मोदी हुकूमत ने इसे बेचने का फैसला लिया है। इसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ऐसा भी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से कहा गया। आपने देखा होगा अरसे से बेलगाम के काफी कारपोरेटर बेचैन नजर आ रहे थे, इन्हें कब कारपोरेशन इलेक्शन होंगे इसकी फिक्र दिखाई दे रही थी। कुछ तो पहले से कारपोरेटर बनने के ख्वाहिशमंद हैं और कुछ सिर्फ ख्वाहिश ही रखते हैं पर मौका नहीं मिल रहा। कुछ तो ख्वाबों में भी कारपोरेशन का दौरा करते रहते हैं, कुछ लोगों की रूह कारपोरेशन के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। कुछ लोगों को किसी हाल में कारपोरेटर बनना है तो कुछ यूं कहिए कि इन्हें सिर्फ नाम दर्ज करके अपने हाथ गीले करने हैं, मौका तलाश रहे हैं। खैर, कुछ लोगों की इसी बहाने ईद भी होती दिखाई देती है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के ख्वाब अब पूरे होने जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम धारवाड़ हुबली कॉरपोरेशन इंतखाबात दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं। इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है पर चर्चा जारी है कि जल्द इंतखाबात हो सकते हैं। रिजर्वेशन और वार्ड रचना का मामला अदालत के जेर निगरानी है, वार्ड रचना अभी मुकम्मल नहीं हुई है। रिजर्वेशन का फैसला मार्च में आना था पर कोरोना के मद्देनजर मामला मुलतवी होता चला गया, लिहाजा अदालत का फैसला आने वाले महीनों में होना यकीनी है ऐसा कहा जा रहा है। और इसके बाद इंतखाबात होंगे, अदालत के फैसले के बाद हुकूमत इंतखाबी मुहिम पर लग जाएगी। शहर तरक्याती अफसरान मुख्तलिफ वार्डों में मीटिंग तलब करने की भी इत्तला हासिल हो रही, लिहाजा दिसंबर जनवरी में कारपोरेशन इंतखाबात होने का मौजू जेर बहस है। देखते रहिए, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।